पहले ये समझिए कि हम आपसे वोट काहे नहीं मांगते। वोट मांगने वाला नेता लोग तो हर दो बरिस पर आता ही है आपके पास। जो आया वो कहता है ये भैया हमको वोट दे दीजिए, चाची वोट दे दीजिए, हम जीत कर आएंगे तो आपका एकदम सब भला हो जाएगा। आप सुन के कभी भरोसा करके कभी लालच में पड़ के आप उसको वोट देते हैं। जो वोट लेकर गया अब वो हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, आप 5 बरिस फिर आपको अपना मुंह नहीं दिखाएगा। आप 40 बरिस तक कांग्रेस को वोट दिए, फिर 15 बरिस लालू जी को हम लोग जिताए, 18 बरिस से अभी नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठाकर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, अगर आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करें। हम आएंगे तो सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के पिछला जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को आपने राजा बनाया, अभी 18 बरस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता धोखा किया, हम भी तो धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं।